सैनिक माइनिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा मजदूरों की छटनी किए जाने के बाद आक्रोशित मजदूरों ने सैनिक माइनिंग कार्यालय के समक्ष हंगामा किया। सैनिक माइनिंग से छटनी किए गए मजदूरों ने कहा कि जब तक हम मजदूरों का सीएमपीएफ की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक सैनिक माइनिंग का कार्य बंद रखेंगे। मजदूरों का आरोप है कि सैनिक माइनिंग कंपनी के द्वारा लोगों का वेतन से काटा गया सीएमपीएफ का पैसा का कोई हिसाब किताब मजदूरों को नहीं दिया गया और अचानक काम से भी निकाल दिया गया। इसलिए हमारी मांग है जब तक पूरी नहीं होती तब तक सैनिक माइनिंग कंपनी के काम को बंद रखा जाएगा। इधर सीसीएल पिपरवार प्रबंधन और सैनिक माइनिंग ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों के द्वारा असंगठित मजदूरों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सभी असंगठित मजदूर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सैनिक माइनिंग के प्रांगण में हम लोग असंगठित मजदूर सब उपस्थित हुए हैं। कारण विषय बस इतना सा है कि जितने लोगों को बैठा रहे हैं और हर महीना 5,000 रुपया जो पीएफ काट रहे हैं उनका भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि आप पीएफ जो है भुगतान करने रहे हैं और पहले लोगों को बैठा दे रहे हैं, तो ये तो नियमावली है नहीं, क्योंकि 3 महीना 13 दिन का जो है कि कुछ उसका प्रावधान है जो उसके तहत उनको जो है बेनिफिट मिलता है कि किसी को भी डायरेक्टली नहीं बैठा सकते। तो ये समस्या है, इसी समस्या को लेकर सब धरने पर आज हम लोग बैठे हुए हैं एकजुट होकर कि हम लोग का जो सीएमपीएफ काटे हैं पर मंथ 5,000 रुपया 6,000 रुपया जो भी है 5,000 4,500, तो वो कहाँ है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम जहाँ कार्यरत किए हैं हम उनको जानते हैं और हाँ, और हम लोग को सही डॉक्यूमेंट्स और सही जो है दस्तावेज जो है सीएमपीएफ का नहीं मिला हुआ है 6 साल से। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि सीएमपीएफ का जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक काम बंद रहेगा? हाँ, हम लोग जो है कि हम लोग थाना प्रभारी को भी सूचित किए हैं, थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग अपने जगह पर सही है, आप लोग कोई तरह का जो है कि हुड़दंग ना करें, शांति से अपना जो है कि प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग का लड़ाई सफल होगा। और हम लोग का यही मांग है।